जिसकी मुझे शुरू से तमन्ना थी, फाइनली वो देखने को मुझे मिल गई। रुबीना दिलायक और पारा छावला एक साथ, वो भी एक सॉन्ग में। और इस सॉन्ग को सुनकर मेरा रिएक्शन किस तरीके से निकल कर आया, यही जानेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ करेंगे थोड़ी सी सॉन्ग की जांच पड़ताल, आखिर इस सॉन्ग में क्या अच्छा था और क्या बुरा था। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर वीडियो कहीं पर भी पसंद आती है गाइस, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। इस सॉन्ग की जो सिंगर है उनका नाम है आशीष कौर। हाय हाय, इनकी क्या बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने अपने लिरिक्स से खेला है वो इस सॉन्ग को काफी हाई लेवल पर ले जाती हैं। अगर आप गर्ल्स हो और आपका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है तो इस गाने को एक बार सुनना, ये गाना आपके दिल में मरहम का काम करेगी। इस सॉन्ग की जो फीचरिंग है उनका नाम है रुबीना दिलायक एंड द लास्ट इज पारस छाबरा। बात करें यहाँ पर रुबीना दिलायक की एक्टिंग की, तो उन्होंने अपने एक्सप्रेशन और एक्टिंग इतनी अच्छे तरीके से इस गाने में निभाए हैं कि मैं क्या ही बात कहूँ। और बात करें यहाँ पर पारस छाबरा की, तो छाबरा को जिस तरीके से यहाँ पर कैरेक्टर दिया गया है वो अपने कैरेक्टर में एकदम खड़े उतरे हैं। हम लोगों को पारस छाबरा का डेविल वाला रोल देखने को मिला इस सॉन्ग में। मैं रुबीना दिलायक को शुरू से ही छोटी बहू से देखता आ रहा हूँ और अभी तक इन्होंने अपनी एक्टिंग से किसी भी लोगों को निराश नहीं किया। और जिस तरीके से इस सॉन्ग में बीजीएम डाला गया है वो काफी ज्यादा कूल लग रहा है सुनने में। बात करें यहाँ पर स्टोरी की, तो स्टोरी भी गाइस आप लोगों को इस सॉन्ग में एकदम जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। जब तक रुबीना दिलायक भरम में रहती है कि पारा छावरा मुझसे प्यार करता है, तब तक आशीष कौर उस पिंजरे में बंद होती है। फिर जैसे ही रुबीना दिलायक का भरम टूटता है तो आशीष कौर उस पिंजरे से बाहर निकल आती है। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा कूल लगा देखने में। और सॉन्ग में आप लोगों को स्क्रीन प्ले एकदम जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस गाने को नहीं सुना है तो एक बार इस गाने को जाकर सुनो, आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा इस सॉन्ग को सुनकर। ये सॉन्ग खास करके गर्ल्स के लिए बनाया गया है। अगर इस सॉन्ग को गर्ल्स सुनती है तो उनको काफी ज्यादा राहत महसूस होगी। और सॉन्ग के एक एक लिरिक्स आप लोगों को एकदम कमाल के देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से सॉन्ग के लिरिक्स को निखारने का काम किया गया है वो काम किया है रुबीना दिलायक ने। मतलब सॉन्ग में वो फील लाना चाह रही हैं जो सॉन्ग में होना चाहिए। सॉन्ग को देखकर और सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब गाइस बात करते हैं इस सॉन्ग को कहाँ पे सुना जाए तो काफी ज्यादा कूल रहेगा। सॉन्ग को सुनकर इतना तो पता चला, सॉन्ग पार्टी में बजाने लायक तो जरा भी नहीं है। अगर इस सॉन्ग को आप अकेले ईयरफोन लगाकर सुनते हो तो ही फील कर पाओगे आप कि ये सॉन्ग क्या चीज है। अगर आप टूटे दिल वाले इंसान हो तो इस सॉन्ग को सुनकर आप लोगों के दिल में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को किसी ने धोखा दिया है तो ये सॉन्ग आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे कमेंट करके बताना कि ये सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस मिलता हूं आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।